हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छी होंगी। मैं भी अच्छी हूँ। एंड आज मैं अपने घर से वीडियो बना रही हूँ। रीज़न क्योंकि मैं आज अपने पर्सनल ऑफिस नहीं गई थी, हॉस्पिटल गई थी और मैं घर आ गई। और एक गुड न्यूज़ भी है जो मैं आप लोगों को आज बताने वाली हूँ। तो ऐसा करते, चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ तो गाइस, पहला गुड न्यूज़ ये है कि मुझे IVF सेंटर से कॉल आया है फॉर द जॉइनिंग। रीज़न कि वहाँ पे सीनियर जो लैब टेक्नीशियन है उनकी वहाँ पे कमी है, एंड इनफर्टिलिटी टेस्ट के लिए मुझे वहाँ पर हायरिंग का ऑफ़र किया गया है। साथ ही साथ मुझे पेशेंट को काउंसलिंग भी करना है। तो मेरे पास ये ऑफ़र आया है और मैंने अभी जस्ट देखा है, बट अभी मैं ज्वाइनिंग करूँगी नहीं करूँगी मैंने सोचा नहीं है। अभी ऐसा कुछ करती हूँ तो डेफिनेटली मैं फिर आपको लाइव दिखाऊंगी कि कैसे वहाँ पे काउंसलिंग होती है, क्या प्रोसेस होता है, कितना खर्चा लगता है और IVF का क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके से IVF के इंजेक्शन दिए जाते हैं, कब तक दिए जाते हैं, ये सारी डिटेलिंग्स मैं आपको बताऊँगी। अगर मैं ज्वाइनिंग करूँगी तो मैं आपको लाइव दिखाने वाली हूँ। तो देखिए मैं क्या करती हूँ ये तो वक्त बताएगा, बट आज का जो टॉपिक है ये गुड न्यूज़ थी, ठीक है। और आज का टॉपिक है गाइस, सेक्स करना क्यों ज़रूरी होता है और अगर हम नियमित रूप से सेक्स नहीं करते हैं तो हमको क्या क्या परेशानियां आ सकती है और आती भी है। आपको पता है कि हमारी जो बॉडी में जितने भी प्रॉब्लम्स आती है वो हार्मोनल की वजह से आती है। अगर हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं तो हमको बहुत सारी समस्याएँ आने लगती है। तो आपकी बॉडी में सेक्स ना करना भी हॉर्मोन्स का ही एक रोल होता है। जो हम बोलते हैं ना कि हमको अब सेक्स करने का मन नहीं कर रहा है, ना मेल को ना फीमेल को, और अभी ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है कि 10 में से 2 पेशेंट ऐसे आते हैं का ये होता है कि हमको अब सेक्स डिज़ायर रहा ही नहीं। तो ये अगर आप नहीं करते, आप अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम नहीं बिताते हैं, आगे आप जान लीजिए कि आपको इससे बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाएगी। तो ये ज़रूरी क्यों है? सिर्फ ये बच्चे के लिए ज़रूरी नहीं है, आपके रिलेशनशिप के बॉन्ड के लिए भी ज़रूरी है और आपकी बॉडी के स्ट्रेंथ के लिए भी ज़रूरी है। इसलिए हम इसके बारे में डिटेल्स में बात करें। हम नियमित रूप से सेक्स करते हैं तो इससे हमारी बॉडी को बहुत सारे फायदे होते हैं और नहीं करने के कुछ तो साइड इफेक्ट होते होंगे हमारी बॉडी को। सेक्स जो है वो कैलोरी बर्न करने के लिए, आपके मूड को अच्छा करने के लिए, आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। और करिए कि हमको बेबी प्लान करना है तो हम सेक्स करेंगे नहीं, सेक्स को आप अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाइए जो बहुत बेहतरीन होगा आपके खुद के स्वास्थ्य के लिए। आप देखते हो ना कि बहुत कम उम्र के लोग बुढ़ापे में बहुत एजेड दिखने लगते हैं, इसका भी कारण क्या है? आप अगर नियमित सेक्स करते हैं तो आपको दिल के दौरे जैसे खतरे पड़ने के चांस बेहद कम होते हैं। कि बॉडी जितना उत्पादन मांगता है, जितना सेक्स मांगती है, अगर आप उतना नहीं करते हैं तो ये जो ज़रूरी हार्मोन है आपकी बॉडी में जो प्रोड्यूस होने चाहिए वो नहीं होते हैं। सेक्स विभिन्न प्रकार के एंटीबॉडी का उत्पादन करता है, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने का काम करता है। को एलर्जी, सर्दी, किसी तरह का फ्लू, इस तरीके को मदद मिलती है। मतलब आपका इम्यूनिटी जो है उसको ये मजबूत करता है ताकि आप विभिन्न प्रकार के जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या इन्फेक्शन है उनसे आप लड़ सके। आपको मैं बता दूं, आपको पता है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन का आपकी बॉडी में क्या रोल है? अगर आप नियमित रूप से सेक्स करते हैं तो आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो बैलेंस करने का भी काम करता है सेक्स। और जो महिलाएं लंबे समय तक सेक्स नहीं करती हैं किसी भी रीज़न से, वो रीज़न कुछ भी हो सकता है, तो आपकी बॉडी में जो हार्मोन है वो पर्याप्त मात्रा में डेवलप नहीं होता, उत्पादन नहीं होता, जिसके कारण से महिलाओं को पीरियड्स में बहुत ज़्यादा ऐंठन पेन की पेन महसूस होता है। तो इसमें आपका सेक्स का बहुत बड़ा भूमिका होता है। सबसे ज़रूरी चीज़ ये आपके तनाव को कम करता है, आपको स्ट्रेस फ्री करता है। और आपको पता है ना, जब आप स्ट्रेस फ्री रहते हो, हैप्पी रहते हो, तो आपकी बॉडी में एक हैप्पी हार्मोन भी जनरेट होता है जो कि आपके आपका बॉडी जितना अच्छा रिलैक्स फील करेगा, आप हैप्पी रहेंगे, आपके बॉडी में ऑटोमेटिकली जो हार्मोन्स की ज़रूरत है वो उत्पादन होगा, बैलेंसिंग होगा। और आपको मैं एक बात बता दूँ, PCOD, PCOS जितनी भी हम प्रॉब्लम्स की बात करते हैं वो एक बार में ये सारी समस्याएं नहीं होती है, आपकी बॉडी धीरे धीरे आपको इंडिकेट करती है। और जब सेक्स प्रॉपरली हमारा नहीं होता है
तो इनको मौका मिल जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी में हार्मोन सही तरीके से जनरेट नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली आपको इस तरह की प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए आप अपनी सेक्स लाइफ को मजबूत करिए, ये आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, जो लोग बेबी प्लान कर रहे हैं उनके लिए भी बेहतरीन है, अच्छा है। क्योंकि आपको पता है कि आपको अगर कोई भी समस्या नहीं है, यानी आपको कोई भी इनफर्टिलिटी की समस्या नहीं है, अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी की समस्या नहीं है, लेकिन आप रिलेशनशिप में ही नहीं रहोगे तो आपको बेबी कैसे होगा, नहीं होगा। अब एक बात का हम और समझते हैं कि जब हम बेबी प्लान कर रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में होता है कि हमको ओवुलेशन ट्रैक करना है, ओवुलेशन के टाइम में हमको संबंध में रहना है। देखिए, मेरा ऐसा मानना नहीं है, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं हमारे हॉस्पिटल में भी आती हैं जिनको पीरियड्स के टाइम में ही वो सेक्स अपने पार्टनर के साथ सेक्सुअली रिलेशनशिप में रहती है, इंटीमेट होती है, और उनको प्रेगनेंसी रह भी जाती है। पूरे महीने आप करते हो, कभी भी प्रेगनेंसी रह सकती है, लेकिन वो जो ओव्यूलेशन का टाइम होता है वो मोस्ट फर्टाइल डेज होते हैं, है ना, फॉलिकल डेज होते हैं, तो उसमें चांसेस बेहद हाई होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको बस ओव्यूलेशन के समय ही उसको ट्रैक करके आपको साथ में रहना है, आपको महीने में आपको साथ में रहना, अगर महीने में 30 डेज होते हैं तो मैं बोलती हूँ कि कम से कम 10 डेज भी अगर आप साथ में रहते हो तो आपका पहला चीज़ तो आपका रिलेशनशिप बॉन्ड बहुत मजबूत होगा। क्योंकि आज के टाइम में इतने ज़्यादा डाइवोर्स हो रहे हैं, रीज़न ऑफ द बेबी नहीं हो रहा है, डाइवोर्स हो रहा है, तो ये कारण हो रहा है। अब अगर आपके बीच में सेक्सुअली रिलेशनशिप है, कहीं ना कहीं आपका बॉन्ड मजबूत है, तो ये जो डाइवोर्स के केसेस भी ना वहाँ पर पीछे हटेंगे, मतलब नहीं होंगे। तो आपको आपकी रिलेशनशिप को भी मजबूत करना, बेबी तो है इम्पोर्टेंट, मैं मानती हूँ, मुझे भी चाहिए, आपको पता है, मैं खुद आपके सामने एक एग्जाम्पल बैठी हूँ, लेकिन साथ ही साथ आपके रिलेशनशिप को भी आपको मजबूत करना है। आज मैं आपको एक बात बता रही हूँ, मैं आज मेरी एक फ्रेंड है, बहुत पुरानी फ्रेंड है, मैं नाम नहीं लूँगी उनका, वो मुझसे एज में भी काफ़ी छोटी है, 2-3 साल मुझसे छोटी होगी, और उसके 2 बेबी हो चुके हैं, ठीक है। और आज के टाइम पे हस्बैंड के साथ में उनका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, रिलेशनशिप नहीं बनता है। बड़ी चीज़ क्या होती है ना कि हम बेड पे जाते हैं और हम ये सोचते हैं चलो यार सेक्स करते हैं, काम ख़त्म करते हैं, हो गया, बट ऐसे रिलेशनशिप नहीं चलता है। रिलेशनशिप को चलाने के लिए आपको एक दूसरे के साथ में क्लोजअप भी होना बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे के साथ बात करना ज़रूरी है, टाइम क्वालिटी टाइम स्पेंड करना ज़रूरी है, और उसके बाद आता है फिर सेक्स। तो इसीलिए मैं बता रही हूँ कि मेरी फ्रेंड को भी मैं अभी देख रही हूँ, और मैंने आज उसकी बहुत देर बात सुनी, मुझे काफ़ी दुख हुआ ये देख के कि भैया रिलेशनशिप ऐसे जा रहे हैं, और उसके मुंह से भी मैंने सुना कि यार आंचल कैसे चलेगा ऐसे रिलेशन। फिर तो मेरे को तो अब ये सोच रही हूँ कि हमारा रिलेशन चलेगा कैसे, हमारे तो बच्चे भी हो गए, 2-2 बच्चे हो गए, लेकिन हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा, क्योंकि हस्बैंड अपनी चीज़ों में बिजी है, वाइफ बच्चों में बिजी है, तो दोनों का रिलेशनशिप कहाँ गया। तो इसीलिए गाइस सेक्स करना बेहद ज़रूरी होता है, आपकी पर्सनल बॉन्डिंग के लिए भी, बेबी प्लानिंग कर रहे हो उसके लिए भी, और बहुत सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए भी। आपके हार्मोन अगर अच्छे रहेंगे तो आपको ये सारी समस्या होगी नहीं, और हर चीज़ के लिए मेडिसिन पे डिपेंडेंट होना ये गलत बात है। मैंने बहुत लोगों से सुना, आयुर्वेद वाले ये बोलते हैं कि हाँ हम आयुर्वेद अच्छे हैं, एलोपैथ अच्छा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है यार, हर मेडिसिन में साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, हर मेडिसिन के बेनिफिट्स भी हैं, है ना, मानती हो ना। तो इसीलिए मेडिसिन आपको जो चूज़ करना है आप करिए, उससे मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप अपनी रिलेशनशिप को मेंटेन कैसे करते हो, ये बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका रिलेशनशिप उस कगार पे ना जाए कि वो टूट जाए। और बहुत सारी महिलाएं मेरी इस बात से एग्री करेगी, क्योंकि वो इस चीज़ों से गुजर रही है ना। तो इसीलिए मैं ये बात बोलूँगी, सारे जितने भी मेल पर्सन मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ अपनी वाइफ को टाइम दीजिए, साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए, अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है तो कुछ हॉलीडेज पे जाइए, ये चीज़ें करना बेहद ज़रूरी है कि एक रिलेशनशिप को मजबूत करने के लिए, है ना। तो चलिए, मैं कुछ ज़्यादा ही आगे निकल गई। अब सेक्स करने से पुरुष को क्या बेनिफिट है, हमने महिला की बात कर ली, लेकिन पुरुष को क्या, प्रोस्टेट ग्रंथि जो होती है पुरुष की, उसमें कैंसर होने की संभावना कम होती, इसलिए जब पुरुष सेक्स करते हैं प्रोस्टेट से अपने जितने भी हानिकारक कण हैं उसको रिलीज कर देते हैं, जिसकी वजह से पुरुष में कैंसर होने की संभावना कम होती है। व्यायाम की तरह सेक्स भी जो है हैप्पी हार्मोन और ऑक्सीटोसिन जारी करता है, जो आपकी भारी परिस्थितियों से निपटने में मदद करता है। और जब आप सेक्स नहीं कर रहे होते तो अध्ययन रिसर्च में बताया गया है, तो अत्यधिक चिंता यानी स्ट्रेस से पीड़ित होने का बहुत ज़्यादा जोखिम होता है। तो आपकी बॉडी में हैप्पी हार्मोन जनरेट होगा, आप स्ट्रेस रिलीज होंगे। आजकल एक बीमारी का और नाम सुने होंगे ना आप, डिप्रेशन, बहुत लोग बोलते हैं मुझे डिप्रेशन हो गया है,
लेकिन डिप्रेशन होता क्यों है? क्योंकि आप खुश नहीं हैं, आप हैप्पी नहीं हैं, आपको फिर सब कुछ नेगेटिव दिखने लगता है, आपको लगता है कि बस मेरे इर्द गिर्द सब कुछ नेगेटिव है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई मुझसे बात नहीं करता है। और ज़्यादातर ये महिलाओं में होता है, ज़्यादातर, क्योंकि महिलाएँ क्या है ना कि दिन भर घर का काम कर रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन उनको एक रिलेशन चाहिए होता है, वो उनको नहीं मिलता है, तो वो फिर वो डिप्रेशन की तरफ जाने लगती है। तो मेरा बस कहने का मतलब ये है कि सेक्स सिर्फ बेबी के लिए नहीं होता है, सेक्स आप बहुत सारी बीमारियों से बचने के लिए करिए और आपके रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए करिए, जिससे कि आप आपको बेबी भी आगे होगा। ऑब्वियसली बात है, आप सेक्स करोगे तो बेबी होने के चांसेस बढ़ेंगे। और साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि अगर पीसीओडी आपको माइनर है, फाइब्रॉइड्स माइनर है, एंड्रोमेट्रोसिस की शुरुआत है, तो आपको बेबी प्रकंसीव हो जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। डॉक्टर्स ना बहुत सारे डरा देते हैं, इनफैक्ट एलोपैथिक में आप जाइएगा ना तो आप जब टेस्ट कराएंगे तो जल्दी डॉक्टर्स इसका नाम भी नहीं लेती हैं, लेती हैं क्योंकि डॉक्टर्स आपको सबसे पहले हार्मोनल पिल्स देती है कि आप अपने हार्मोनल्स को आप बैलेंसिंग करिए, यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो इसीलिए आप इतना पीसीओडी पीसीओएस को लेके इतना स्ट्रेस में मत जाइए, आप स्ट्रेस लोगे आपकी आपका प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगा। मैं आज की तारीख में कोई मेडिसिन नहीं ले रही हूँ, सिर्फ फॉलिक एसिड ले रही हूँ और विटामिन डी लेती हूँ मैं, ये दो मेडिसिन के अलावा मैं कोई भी मेडिसिन नहीं ले रही हूँ। तो आप समझिए कि मैंने तो मेडिसिन ही छोड़ दिया, कोई नहीं ले रही हूँ मैं और मुझे लेना भी नहीं है, क्योंकि मैं समझ चुकी हूँ कि हमारी बॉडी को हम खुद ठीक कर सकते हैं, है ना। मुझे ये चीज़ समझ में बहुत अच्छे से आ गया है, और अगर मैं लूँगी भी तो देखूँगी, अभी मैंने फ़िलहाल कुछ नहीं सोचा है। अब मैं नेचुरली चाहती हूँ कि मैं आगे बढ़ूँ। और ग्रहवाद गायनोवेदा का तो मैंने आपको बताया है कि ये सब पे सूट करती नहीं है, जिस पे करती है कर जाती है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं, हम सब ट्राई कर सकते हैं गाइज। आप एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाओगे तो आप क्या करोगे, आप ट्राई कर रहे हो ना, बिल्कुल वैसे ही है, आप ट्राई कर सकते हो, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। अगर आप कोई भी मेडिसिन में जाना चाहते हो ये आपका डिसीजन है। अगर आप मुझसे किसी मेडिसिन का रिव्यू मांगोगे तो डेफिनेटली मैं उसके ऊपर रिसर्च करके आपको बताऊंगी। तो यही था आज का वीडियो, मेरा बहुत इंपॉर्टेंट था आज, मेरी फ्रेंड से जब मेरी बात हुई और मुझे इतना कुछ पता चला तो मुझे लगा कि नहीं मुझे इसके बारे में बात करनी चाहिए आपसे, तो बस इसलिए। और आज पीछे बैकग्राउंड से बहुत ज़्यादा वॉइस नॉइज आ रहा है क्योंकि मेरे दोनों डॉग भी लड़ रहे हैं और यहाँ कहीं पे कुछ भगवान के प्रवचन भी हो रहे हैं इसके वजह से। तो चलिए वीडियो को लंबा नहीं करते, वैसे लंबा हो चुका है लेकिन फिर भी चलिए आपसे इजाज़त लेती हूँ। और बस मैं अपने छोटे से गार्डन में बैठी हूँ तो वीडियो बना रही हूँ। तो चलिए गाइस मैं मिलती हूँ आप लोगों से बहुत जल्दी एक नया अपडेट लेके, तब तक के लिए बाय बाय, अच्छा सा रहिए, प्यार बांटिए और देखिए हमेशा स्माइल करते रहिए। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक और शेयर, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट गाइस मुझे कमेंट्स चाहिए, भर भर के कमेंट्स चाहिए आप लोगों के। आप जो भी कमेंट्स करोगे मैं उसका आंसर करूँगी और आपको पता है मैं आंसर करती हूँ। तो चलिए मिलते हैं हम लोग बहुत जल्दी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।